भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार खिलाड़ी और कप्तान मिताली राज पिछले लंबे समय से चर्चाओं में बनी हुई थी। महिला टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के दौरान बिना किसी वजह से टीम से मिताली राज को बाहर होना पड़ा और भारतीय टीम को इस अहम मुकाबले में करारी हार झेलनी पड़ी थी। और इसके बाद ये विवाद शुरू हो गया था कि कोच रमेश पवार के बाहर जाने तक ये मामला चलता रहा, लेकिन अब दोबारा से मिताली राज न्यूजीलैंड दौरे की तैयारियों में जुट चुकी हैं। शनिवार को न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान बीसीसीआई ने कर दिया और यहां पर एक बार फिर से मिताली राज को वनडे टीम की कमान सौंपी गई है। वहीं टी20 में मिताली राज शामिल है, लेकिन टी20 की कप्तान हरमनप्रीत कौर होंगी। वहीं टीम में शामिल होने के बाद मिताली राज ने कहा कि एक बार फिर से सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। मिताली ने कहा कि अब सब चीज़ें सही हो गई हैं और हमें खेल, खिलाड़ियों और टीम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। वहीं मिताली ने अपने परिवार को लेकर कहा कि पिछले कुछ दिनों तक मेरा परिवार काफ़ी तनाव में था और उन्होंने कहा कि महिला क्रिकेट से निश्चित रूप से महिला क्रिकेट सुर्खियों में आ गया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी और इससे निश्चित रूप से खेल से ध्यान भटकता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से लव कुमार की रिपोर्ट।